दरभंगा शहर में नगर निगम चुनाव का तारीख अब अंतिम छोर पर है। इसी के मद्देनजर सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में दल बल के साथ जुटे हुए हैं। वहीं इसी क्रम में दरभंगा शहर के उप महापौर प्रत्याशी आशा देवी, जो कि समाज सेवी अंकुर गुप्ता की माँ है, उन्होंने दरभंगा की हृदय स्थलीय मनोकामना मंदिर से हजारों की संख्या में समर्थक के साथ पूरा दरभंगा शहर के वार्ड 1 से लेकर वार्ड 48 वार्डों के बीच जनसंपर्क रैली निकाली। वहीं जनसंपर्क रैली में महिलाओं से लेकर नौजवान और बूढ़े लोगों का प्रत्याशी आशा देवी के प्रति काफी उत्साहित समर्थन भी दिखा। बीते दिनों से एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें संघ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनका समर्थन मेयर प्रत्याशी धर्मशीला गुप्ता और उप मेयर प्रत्याशी अर्चना कुमारी को है। जब इसको लेकर मीडिया ने संघ से जुड़े अविनाश कुमार से पूछा तो वे इस बात का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई समर्थन संघ के द्वारा दिया नहीं गया है। भगवान का भोले बजरंग बली का दर्शन करके और रोड शो करने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर, किस तरह आम जन को संदेश देंगे? सबसे पहले मैं यहाँ मनोकामना मंदिर आई हूँ, अपने मन की बातें बजरंग बली से रखे हैं कि मेरे मनोकामना को पूर्ण करें। आज रोड शो निकल रहा है और जनता से अपील भी करती हूँ कि जनता एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दे, अपना वोट भी दे, विश्वास के साथ मुझे विजय प्राप्त करे, ताकि मैं जनता के हमेशा साथ चल सके। गुरु बहन को क्या संदेश देंगे? गुरु भाई गुरु बहनों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक महादेव गुरु पर विश्वास करके एक गुरु बहन को अपना वोट दे, ताकि जिस तरह हम लोग श्री चर्चा में चलते हैं विश्वास के साथ, उसी प्रकार मैं विश्वास के साथ कहती हूँ सभी गुरु भाई गुरु बहन जनता को और दरभंगा जिला को हर एक बात का, हर मनोकामना का मैं पूर्ण करूंगी। कौन सा छाप आपको मिला? पीपल पत्ता छाप 2 नंबर। अपना परिचय दीजिए। आशा देवी गुरु बहन। सबसे पहले तो आप लोग का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज फिर इस पवित्र स्थल जो हमारी है दरभंगा की, मिथिला की हृदय स्थल श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में हम लोग मनोकामना मंदिर, क्योंकि यहाँ से कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं जाता है। आज हमारी माँ भी यहाँ पर प्रार्थना मांग कर और वचनबद्ध होकर जा रही है कि अगर दरभंगा की जनता मेरी माँ को उप महापौर की प्रत्याशी बनाती है, उसमें अपना अहम भूमिका निभाती है, तो हमारी माँ इसी जगह यह प्रण लेके जा रही है कि कोई भी दरभंगा का जितने भी 2,63,000 मतदाता लोग हैं उनके अंदर कोई सवाल नहीं रहेगा कि हाँ दरभंगा में उन लोगों ने अपना जो मत हमारी आशा गुरु बहन माँ को दिया था कि उनका कोई भी बात खाली रह गया। दरभंगा नगर निगम जो बदलेगा दरभंगा शहर, वो दरभंगा के लिए इतिहास का काम करेगा और जो लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं कि आज हमारी माँ जहाँ भी जनसंपर्क कर रही है वहाँ उनके साथ वहाँ के स्थानीय महिला पुरुष सब लोग उनके साथ घर टू घर ले आके कह रहे हैं कि ये हमारी गुरु बहन आज हम लोग के बीच में कोई चुनाव लड़ रही है, सब आदमी इनको समर्थन करना है। और सब जगह से जो विश्वास मिला इससे हम लोग का मनोबल, मेरी माँ का मनोबल और बढ़ गया, क्योंकि सबसे पवित्र चुनाव चिन्ह अगर किसी को मिला है जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं या पार्षद में या मेयर में, तो सिर्फ और सिर्फ अब मेरी माँ आशा देवी गुरु बहन को मिला है, जो महादेव का चुनाव चिन्ह है पीपल का पत्ता, उससे पवित्र उससे शुद्ध और भी कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है। इसलिए मैं दरभंगा की जनता से यह अपील करता हूँ कि आप लोग किसी भी बहकावे में नहीं आए, किसी के विचारधारा पे नहीं आए, अपने विचार से उप महापौर के लिए मेरी माँ को मत दे, अपना वोट करें और उसके बाद जो रूपरेखा तैयार होगी उसमें 2,63,000 जनता की योगदान, उसमें सब आदमी उतने ही भागीदार रहेंगे जितने की हमारी माँ भाई करेंगे। अपना परिचय दीजिए। अंकुर गुप्ता, समाज सेवी, दरभंगा का बेटा। नगर निगम का चुनाव होने जा रही है, संघ की तरफ से किस तरह का आदेश पारित किया गया कि मेयर और उपमेयर कौन रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? संघ इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है, संघ एक सामाजिक संगठन है और समाज के लिए संघ है, संघ के लिए समाज है, समाज ही संघ है, संघ ही समाज है,
इसीलिए ये चुनाव निश्चित रूप से समाज को निर्णय करना है और ये निर्णय समाज ही करेगी कि इस यहाँ का मेयर कौन होगा, यहाँ का उप मेयर कौन होगा। लेकिन एक क्लिप जो मार्केट में रनिंग कर रही है कि मेयर प्रत्याशी धर्मशीला गुप्ता को दिया गया है, उप मेयर अर्चना कुमारी को दिया गया है संघ की तरफ से आदेश, क्या सही है गलत है? ये किसी व्यक्ति का अपना निजी विचार हो सकता है, संघ इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है और न ही करता है। क्या लगता है इस तरह का आदेश अगर पारित होने से समाज में किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? एक बात मैंने पहले ही कह दिया ना कि संघ किसी भी प्रकार का कोई आदेश चुनाव के लिए जारी नहीं करता है। मैंने पहले ही कहा है कि समाज से ही संघ है और संघ ही समाज है, तो इसमें समाज को निर्णय करना है कि उसका प्रतिनिधित्व कौन व्यक्ति करेगा, ये समाज के विवेक पर डिपेंड करता है। इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है, संघ कोई व्यक्ति नहीं है, संघ समाज से संघ है और संघ से समाज है। अपना परिचय दीजिए। अविनाश कुमार, विभाग कार्यवाह, दरभंगा।